अस्सलाम वालेकुम। YouTube Shorts जिसको लेके हम लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों को जो है ना मोटिवेट किया था कि भाई आप इस पे काम करें, बहुत ज्यादा अर्निंग होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपको दिखाई भी थी अर्निंग कि आपके मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, फिर आपके कोई $8-10 बनते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको YouTube Shorts पे काम करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो क्या आपको अपने मेन चैनल पर ही शॉर्ट्स डालनी चाहिए या फिर आपको इसके लिए सेपरेट चैनल बनाना चाहिए। ठीक है, क्या हम लॉन्ग और शॉर्ट्स एक ही चैनल पर डाल सकते हैं या हमें इसके लिए सेपरेट चैनल बनाना है, ये आप सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा काशिफ मजीद चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर ले KM YouTube को, ताकि आप लोगों को YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहे। चलिए बात करते हैं कि YouTube ने भाई अब तो दिल तो तोड़ दिया है। ठीक है, जो हमारा था ना YouTube के साथ एक अलहदा से प्यार चल रहा था, वो अब खत्म हो गया, क्योंकि अब लॉन्ग पे तो अल्लाह का शुक्र है अर्निंग होती है, लेकिन शॉर्ट्स पे कोई अर्निंग नहीं है। अब बात करते हैं शॉर्ट्स पे काम करना चाहिए या नहीं। तो यस, मैं आपको कहूंगा कि भाई 110% करना चाहिए। क्यों? अगर आपको अर्निंग नहीं हो रही तो आपको फेम मिल रहा है। याद रखें कि अर्निंग तो चलो ठीक है नहीं हो रही, फेम मिलना भी बहुत बड़ी चीज है। ये जो टिकटॉकर्स हैं, ये सारे जो हैं, बताएं ना ये क्यों है जो है वो इतने लाखों रुपए कमा रहे हैं? क्या टिकटॉक अर्निंग देता है? नहीं देता ना। तो इसी तरह से यूट्यूब शॉर्ट्स पे अगर आपका पास कोई ना कोई छोटा मोटा भी टैलेंट है या आपका जो भी कॉन्टेंट है आप बना रहे, आपको काम करना चाहिए। अब बात आती है कि भाई एक ही चैनल पे करें या अलहदा चैनल पे करें। तो पहले बताता हूं कि काम करना चाहिए तो उसका फायदा क्या है कि आपको सबसे पहली चीज है कि ब्रांड की प्रमोशन मिलेंगी। दूसरे नंबर पर यह है कि जब आपका फेस वैल्यू बन जाती है शॉर्ट्स के ऊपर, तो आप बार बार अपनी वीडियो के अंदर अपने लॉन्ग को प्रमोट करें। ठीक है, शॉर्ट बनाए किसी एक टॉपिक के बारे में कि भाई ये मैंने इस तरह किया है, इसको प्रॉपर देखना है तो एक लॉन्ग वीडियो बना ले। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट्स के अंदर आप थोड़ा सा बताएं, लॉन्ग वीडियो बना के फिर आप अपने चैनल को, अगर आपका चैनल शॉर्ट्स में वायरल हो जाता है तो लॉन्ग का चैनल वायरल करना मुश्किल नहीं है। तो शॉर्ट्स पहली बात है बनानी है, ये नहीं समझना कि भाई अर्निंग नहीं है तो नहीं बनाएंगे, फायदे हैं इसके बहुत ज्यादा, वो आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे जब आप काम करेंगे। नंबर टू चीज, शॉर्ट्स बनानी तो है लेकिन अब इसको लॉन्ग के साथ ही बनाए या फिर इसके लिए अलहदा चैनल बनाए, तो इसके आंसर है टू। पहला आंसर यह है कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, आप क्या करें कि आप उसी चैनल पे शॉर्ट्स बनाएं, उसी पे लॉन्ग बनाएं, एक ही चैनल के ऊपर शॉर्ट्स भी बनाएं, लॉन्ग भी बनाएं, जो आपकी चीज हिट हो जाती है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि आप अपना टॉपिक चेंज ना करें। टॉपिक से मुराद है कि जो आपका निश या जो आपका टॉपिक लॉन्ग वीडियोस के लिए है वही शॉर्ट्स के लिए होना चाहिए। अगर मेरी वीडियोस मोटिवेशन से रिलेटेड है तो मुझे क्या करना है कि शॉर्ट्स में भी मोटिवेशन देनी है। अगर यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स है तो शॉर्ट्स में भी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है। ऐसा नहीं करना कि मैं वहां पर कोई गाना गा रहा हूं, ठीक है, सारी ऑडियंस मेरे पास गाने वाली आ जाए शॉर्ट्स में, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हो जाए और अब मैं यहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं यूट्यूब की तो लोग ना आए, तो ये चीजें आपने नहीं करनी। एक ही टॉपिक रख के आप शॉर्ट्स एंड लॉन्ग अपलोड करें। अगर आपका चैनल नया है, नए से मुराद है आपके 10,000 सब्सक्राइबर है, 20,000 भी है, तो आपके लिए यही है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस पहले से बनी हुई है, मतलब यह है कि आपको समझ आती है कि हाँ भाई अगर मैं वीडियो कोई भी डालता हूं तो मेरी ऑडियंस है, लोग मुझे सुनते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उसके लिए एक अलहदा से चैनल बनाना है। ठीक है, उसका क्या फायदा होगा कि लॉन्ग पे अगर आपकी एक ऑडियंस है, आपको अर्निंग हो रही है, तो शॉर्ट्स का एक पंगा ना ले, क्योंकि शॉर्ट्स पे अगर आपकी व्यूअरशिप बढ़ गई या आपके व्यूअरशिप बढ़ गई और सब्सक्राइबर आ गए, तो आपके चैनल पर सब्सक्राइबर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे लेकिन आपकी व्यूअरशिप जो लॉन्ग की है वो थोड़ी सी होगी, तो इससे बैड इंपैक्ट पड़ता है चैनल के ऊपर और आपके जो व्यूअरशिप है वो मजीद कम हो सकती है। तो अगर आपका एक पहले से बड़ा चैनल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो कभी भी उसके साथ आपने लॉन्ग वीडियोस के साथ ही शॉर्ट्स नहीं बनानी। हां, अगर आपका एक अलहदा से आप चैनल बनाते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन इसके अंदर भी एक और आंसर है कि अगर आपका एक बड़ा चैनल है लेकिन आप उसके ऊपर शॉर्ट्स बनाना चाह रहे हैं, उसी के ऊपर डालना चाह रहे हैं, तो आप कम शॉर्ट्स डालें, यानी दिन में 3 फेंक रहे, 3 दिन बाद 2 दिन बाद एक शॉर्ट अगर आप डाल देते हैं तो उसका इतना मसला नहीं होगा। ठीक है, वो आप कर सकते हैं मेन चैनल पर भी, लेकिन अगर आप जो है वो लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहे हैं शॉर्ट्स के अंदर, तो अलहदा चैनल बनाए। ठीक है, नए यूट्यूबर्स जो है वो सेम पे काम करें, जो उनका चल जाए उसको जो है ना वो लेकर लॉन्ग टर्म चले। लेकिन एट द एंड बात हुई है, दिल ने तोड़ दिया यूट्यूब ने, हमारे इतने अब वो नहीं है, क्या कह लें, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इससे ज्यादा डॉलर आएंगे। 1 मिलियन के ऊपर $10-12 कोई बड़ी बात नहीं है लॉन्ग वीडियोस के अंदर, तो भाई ये $10-12 लेने के लिए आपको 20,000-30,000 व्यूज चाहिए होते हैं तो आपको मिल जाते हैं। तो खैर यह है कि आपने अपने लिहाज से काम करना है, आपने देख लेना कि कौन सी चीज आपको सूटेबल लग रही है। मैं ये कहूंगा कि लॉन्ग पे भी काम करें, शॉर्ट्स पे भी काम करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करने हैं, जिसमें यूट्यूब भी है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, फाइवर है, फेसबुक अर्निंग कोर्स है एंड यूट्यूब मास्टर क्लास है जिसके अंदर लाइव सेशन होते हैं, तो यहां पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहे हैं यहां पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।